नमस्कार, मैं डॉक्टर आशा। पिछले वीडियो में जैसा कि हमने बताया था कि स्प्लीनोमेगैली क्या होती है और ये क्यों होती है और किस प्रकार से हमको बचाव रखना चाहिए या हमको इसका समाधान क्या है, किस प्रकार से हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो जब भी फीवर हो, मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जब भी फीवर हो तो आप रोटी नहीं खाएं। अगर आप ज्वर हो और ज्वर के साथ साथ अगर आपने रोटी खा ली, सॉलिड फूड खा लिया, तो स्प्लीनोमेगली जरूर होती है। अब क्योंकि खाना पचता नहीं है, आरबीसी टूटते रहते हैं, फीवर लगातार आता रहता है, कोष्ठ में विष, दूसरी विष लगातार बढ़ता रहता है, आंत्र मलावृत रहती हैं। ऐसी कंडीशन में खून की लगातार कमी होने की वजह से प्लिया वृद्धि होती है और प्लिया वृद्धि को हम तब तक नहीं रोक सकते जब तक हम खाने को सुपाच्य नहीं बनाए या हम जूसी डाइट, जैसे मान लो आपको दूध सुपाच्य होता है तो सिर्फ जूस ही लेना है, आपको दूध ही लेना है सॉरी। इसमें सबसे अच्छा जो उपाय है वो है आप लौकी का जूस ले सकते हैं, लगातार आप लौकी का जूस लें। आप इसमें पपीते का जूस ले सकते हैं। आप इसमें एक औषधि है जो यकृत दाल्युदर लोहबटी, ये आयुर्वेद की जो मेडिसिन है वो ये है, ये आप ले सकते हैं, दो टैबलेट सुबह दो टैबलेट शाम को, लेकिन इसके साथ में रोटी नहीं लेनी है, आपको जूस या दूध ही लेना है, तो आपका ये जो स्प्लीनोमेगली है वो जल्दी से ठीक होने की संभावना रहती है। क्योंकि अगर स्प्लीनोमेगली रहेगी तो निश्चित रूप से आपको ब्लड कैंसर होगा ही होगा, खून की कमी को ही ब्लड कैंसर रहते हैं, फेगोसाइटिक रिएक्शन जिनका होता है, लिम्फोसाइट्स वो वीक हो जाते हैं और इसकी वजह से आप ठीक नहीं हो पाते, लास्ट स्टेज पर पता चलता है कि आपको ब्लड कैंसर हो गया। तो ऐसी कंडीशन में आपको ये जो समाधान है इसका त्वरित ध्यान रखना चाहिए, कोई लाड़ प्यार नहीं कि भाई रोटी तो खा ही ले, जो परिजन है वो इस तरह के फोर्स का, तू कमजोर हो जाएगा, तो अगर रोटी नहीं खाएंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे, ये मेरा आप लोगों से विशेष आग्रह है, तो आप आगे की बीमारियों से बच जाओगे।